टेक्नोरोज में आपका स्वागत है। स्मार्ट ड्रिंक आ चुकी है, ये बोट ने इंडिया में अभी लॉन्च किया है, स्मार्ट ड्रिंक जेन 1 इसका नाम है। आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और कुछ ऐसी भी चीज़ें निकली है जो आपको शॉक कर देगी। अब यहाँ पर बॉक्स देखेंगे, इस तरीके का छोटा सा है, नीचे बहुत सारे फीचर्स मेंशन किए हैं। बॉक्स में आपको आपकी ये स्मार्ट रिंग मिलती है और इस तरीके से ये मैग्नेटिक चार्जर मिलता है। रिंग आपकी इस तरीके से यहाँ पर प्लेस हो जाती है और आप इसको अपने एडाप्टर में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सीधे स्मार्ट रिंग की तरफ और इसकी बिल्ड और वेट की बात करें तो ये जो हमारे पास आई है इसमें प्रीमियम सिरेमिक डिज़ाइन जो वो दिया गया है, और हमने इसमें थोड़ा रिसर्च किया, जहाँ पर गूगल में सर्च किया तो PI करके कंपनी है, उन्होंने अपना ऐसे ही सिमिलर स्मार्ट रिंग लॉन्च किया और उन्होंने इंडिया में सबसे पहले किया था, इसलिए उनकी वेबसाइट पर उन्होंने क्लेम किया कि इंडियाज फर्स्ट, उसके बाद बोट ने किया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी शॉकिंग बात ये निकल कर आई कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द फ्यूचर्स, मतलब 99.99% उसके और इसके सिमिलर थे, यहां तक कि प्राइस भी। यही सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बोट ने एग्जैक्टली क्या किया है। अब यहां पर दोस्तों इसका वेट जो है वो 7.9 ग्राम्स का, बहुत ही लाइट वेट है, सेम वेट हेलो रिंग का भी हमें देखने को मिला। बिल्ड भी दोस्तों इसका जो है वो सिरामिक है, बहुत ही ग्लॉसी है, उंगलियों के निशान काफी पड़ जाते हैं और मेटल बिल्ड है, तो हेलो रिंग जो है उसमें आपको नैनो सिरामिक और स्टेनलेस स्टील मिलता है, मतलब कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो बात तो वही हो जाती है। साथ में इंटरनल भी दोस्तों काफी ऐसा ग्लॉसी डिजाइन दिए और अंदर आपको अलग अलग सेंसर्स देखने को मिलते हैं और बोट की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, और पहनने में दोस्तों कंफर्ट भी इसका ठीक है, एक नॉर्मल रिंग की तरह ही फील होता है, बस एक स्मार्ट रिंग है, कोई जज नहीं कर पाएगा आपको, जब पहनेंगे तो सबको लगेगा कि एक नॉर्मल रिंग ही पहन रहे, कुछ ऐसे फीचर्स नहीं है सामने की तरफ दिख रहे कि लगेगा अरे ये तो कुछ अलग ही तरीके की रिंग पहना हुआ है। उसी के साथ दोस्तों इसमें आपको अलग अलग साइजेस मिलती है। सबसे बड़ा पेन यही है कि जब आप इन स्मार्ट रिंग को ऑर्डर देते ये नहीं पता चलता है कि आपके फिंगर की साइज कैसी है। हमने यहाँ पर पहले जो वो 9 ऑर्डर दिया था, उसके बाद जब आई तो वो बहुत ढीली थी और बहुत बड़ी, बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। फिर हमने इसको रिप्लेस किया, दोबारा हमने 7 वाली ऑर्डर दिया तो वो थोड़ी परफेक्ट हुई और वो मैं यहाँ पर अभी पहन रहा हूँ। जी हाँ, इसी तरीके से हेलो रिंग जो आई है उसमें भी आपको अलग अलग साइजेस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों साकिब तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशन बज रहे हैं, साकिब भाई ने हमें फ़ोन दिए बट नोटिफिकेशन बंद करना भूल गए, नथिंग वाला बहुत बचता है आजकल। अब ये कितना एक्यूरेट है और इसके फीचर्स कितने और कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। बोट रिंग एक ऐप मिलता है आपको, बॉक्स में मैनुअल मिलता है ना, उससे भी स्कैन करके या इधर प्ले स्टोर में सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब उसमें पहले तो बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर, एक फीचर आपको मिलता है जब आप उसको पहनते हैं, तो बेसिकली इसमें ब्लूटूथ से सारा काम होता है, ठीक है। अब उसको आप पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन हालांकि उन्होंने साफ साफ वहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये इतना एक्यूरेट नहीं रिजल्ट देगा, सिर्फ जनरल चीज़ें बताता है। हमने जब टेस्ट किया तो 36 के आसपास, साकिब भाई बहुत गर्म है आजकल, उनका टेम्परेचर निकल कर आया, लेकिन जब हमने बाद में हमारे मशीन से चेक किया तो वो थोड़ा अलग आ रहा था, 33-34 के आसपास आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया कि ये एक्यूरेट नहीं रहता है, तो उससे हम उसको फिर जज नहीं करते। साथ में स्लीप मॉनिटरिंग की बात करें तो ये साकिब ने बताया कि हाँ वो थोड़ा एक्यूरेट रिजल्ट दिया, तो वहाँ पर मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, मुझे लगा ठीक है। सारे फीचर्स स्लीप मॉनिटरिंग के आप यहाँ पर देख सकते हैं, साकिब भाई कब खराटे ले रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सब आपको पता चलेगा। स्मार्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग स्टेप्स, इसमें कैलोरीज, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली ये मुझे वैसे ही लगा जैसे एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच होता है, इतना एक्यूरेट नहीं था बट था थोड़ा बहुत। आप अगर 2 कदम चलते तो कभी वो 1 दिखाएगा या 3-4 कदम चलते तो कभी वो 3 दिखाएगा, तो कुछ इस तरीके से सीन होता है। तो ये कुछ वैसे स्मार्ट वॉच की तरह काम करता है। और स्मार्ट टच कंट्रोल, ये कुछ नया है, ये कुछ अलग है। ये रिंग पहनने के बाद इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि शॉर्ट वीडियो, इस पर अगर आप जाते हैं तो आप जो भी YouTube के शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, तो आप इस पे रिंग के ऊपर एक अलग से रेड लाइन दी गई है, सेंसर यहाँ पर लगे हुए इस तरीके से कि आपको सिर्फ स्वाइप्स करना है ऐसे, और वहाँ पर वीडियो आप स्लाइड कर सकते हैं, वीडियो को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लेकिन बात यह कि ये बहुत बड़ा पेन है, ये एक बार में नहीं होता है, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर अपडेट की उनको जरूरत पड़े, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन साथ में प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप किसी भी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, तो दो तरीके से काम करता है, इधर स्लाइड करो या प्रेस एंड होल्ड करो। इसी तरीके से म्यूजिक में आप प्रेस एंड होल्ड करके पॉज प्ले या फिर स्लाइड करके ट्रैक को स्किप कर सकते हैं। साथ में फोटोज वीडियोज लेना है तो वो भी आपको प्रेस एंड होल्ड करके कैमरा ओपन करेंगे तो ये आपके फोटोज क्लिक करता है। इसमें भी एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये इतना काम नहीं करता और ये लोग पता नहीं कितना यूज करेंगे, आई डोंट नो। मुझे लगता है इधर शॉर्ट्स के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है, बाकी दूसरी जगह पर मुझे लगता है कि इतना काम करेगा। फिर रीडिंग है, स्लाइड्स है, अलग अलग तरीके से ये काम करता है। उसी तरीके से आपको SOS वाला भी ऑप्शन मिलता है, आप इसमें से इमरजेंसी में फोन का इस्तेमाल नहीं, इसके जरिए ही SOS का काम ले सकते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है, आपको सेटअप करना पड़ता है जब जाके वो काम करता है।
हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी इसका सही है, स्मार्ट वॉच की तरह ही काम करता है, बट इतना एक्यूरेट नहीं है जो कि कोई स्मार्ट वॉच नहीं होता। और उन्होंने भी क्लियरली क्लेम किया कि मेडिकल टर्म के लिए इसका इस्तेमाल मत करिए, और ये सभी स्मार्ट वॉचेस में बोला जाता है। इसमें भी कुछ हमने वैसे ही रिजल्ट्स देखे। बॉडी रिकवरी ट्रेनिंग, जो आपकी बॉडी की जो स्टेटस है वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। SpO2 की इन्फॉर्मेशन दी गई है, फीमेल ट्रैकिंग वगैरह, ये सारे चीज़ें जो एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच पर होती है वो इसमें, बस नया वही था जो हम स्लाइड कर रहे, शॉर्ट्स वीडियो देख रहे, ये थोड़ा अलग था। लेकिन ताजुब की बात यह कि ये सेम टू सेम सारे के सारे फीचर्स जो हेलो रिंग उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहां पर कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट ऐप का इंटरफेस भी सेम है, हेलो रिंग जैसा ही है, उसमें भी इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी। साथ में इसमें 6 एक्सिस आपको मोशन सेंसर मिलता है, जो कि उसमें भी होगा क्योंकि हमने वेबसाइट पर उनकी चेक किया था तो वहां पर हमें नहीं दिखाई दिया, बट इसमें था तो इसमें आपको मिल जाता है। साथ में बैटरी की बात कर ले तो ये 5 to 7 days का आपको बैकअप देता है सिंगल चार्ज के ऊपर, और 90 मिनट्स इसको लगता है चार्ज होने के लिए। सेम जो है वो आपको हेलो रिंग में चार्जिंग टाइम और बैकअप भी देखने को मिल जाता है, और स्टैंड बाय भी इसका कुछ 20 से 25 दिन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसके अंदर उतना स्टैंड बाय आपको बैकअप मिलता है। वैसे आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, तो पानी में लेके जाकर अगर आपको स्विमिंग करना है, शावर में यूज करना है, तो उन मामलों में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो 9000 की। हाँ डेफिनेटली आप बोलेंगे यार क्या जमाना आ गया, अभी एक रिंग भी खरीदो उसके लिए भी 9000 रुपये दो, तो अभी एक टेक्नोलॉजी है, नया फीचर, इतने छोटे से चीज़ में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी चीज़ें। एक स्मार्ट वॉच की जगह आप एक रिंग पहन सकते हो, तो शो के लिए भी थोड़ा ठीक लगता है, और बाकी आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते, चलो वो अपनी जगह पर है ठीक है। बट बात यह है कि जो हेलो रिंग है सेम प्राइस पर है, सेम प्राइस 9000, इसका भी 9000। अब यहाँ पर मुझे टेंशन ये हो रहा है कि इन्होंने जो किया है बोट ने, आई एम नॉट श्योर, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे फील हुआ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पर हमने देखी वो चीज़ सेम हमने वहाँ पर देखी, जो उन्होंने वहाँ पर ऐसा क्लेम किया कि वो इंडिया की पहली थी, डेफिनेटली उन्होंने पहले लाया था, बोट उसके बाद में आया। हाउएवर इन्होंने इनकी वेबसाइट पर कभी भी क्लेम नहीं किया कि इन्होंने सबसे पहले किया, ये चीज़ जो फैक्ट है। लेकिन इन्होंने कुछ नया नहीं किया, जो वहां था वो यहां आ गया। अब किसका रीब्रांड हुआ है, उनसे बात करके उन्होंने अपना ब्रांडिंग डालकर उसको सेल किया है, क्या किया है इसके बारे में खुद नहीं पता है। इन्होंने अपना R&D तो नहीं किया है, क्योंकि फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस भी सब कुछ सेम है, ये देखकर मैं कंक्लूजन पर आया हूँ। बाकी तो जो है वो आपके सामने है। मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करता ऐसी चीज़ें, स्मार्ट वॉचेस 2-3 हज़ार की तक ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली वाई नॉट, मैं ये कहूँगा। बाकी लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।